गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वी आर फर्दर लेट गो टू द सेमेस्टर टू। और सेमेस्टर वन के जितने भी पार्ट है वो हम सेमेस्टर टू के ख़त्म होने के बाद करेंगे। सो दैट सेमेस्टर यूनिट वन, द वर्ल्ड अराउंड अस। द वर्ल्ड अराउंड अस मीन्स के हमारे आसपास की जो दुनिया है उसके बारे में है। सो एक्टिविटी वन, रीड द पजल, डिस्कस विथ योर पेरेंट, गैस द आंसर। इट कैन फ्लोट, fly, fall. It is found on a land, in a ocean, in a sky. It was I eat and drink. It a fact that every part of me. It's a most needed, most wanted, most common substance on the earth, available for the price and for a free. It is worshipped and feared. It is life giving and also cause the death. It is blank. ओके, एक ऐसी चीज़ है जो फ्लो करती है, जो फ्लाई करती है, ऊपर जा सकती है, जो फॉल कर सकती है, नीचे गिर सकती है। इट इज फाउंड ऑन लैंड, वो लैंड पे मिल सकती है, इन अ ओशन, इन ओशन में मिल सकती है, इन अ स्काई, स्काई में मिल सकती है, इन वॉट एवर ईट, हम जो खाना खाते हैं उसमें मिल सकती है, वॉट एवर ड्रिंक उसमें मिल सकती है, इन एवरी पार्ट ऑफ मी, मोस्ट नीडेड, मोस्ट वस्टेड, इनफैक्ट एवरी पार्ट ऑफ मी, बद्दा जहाँ पे हमें देखती हूँ वहाँ पे एवरी पार्ट में हो। इट मोस्ट नीडेड है, मोस्ट वेस्टेड, हम ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट करते हैं, मोस्ट कॉमन सब्सटेंस इन अर्थ, बहुत ही मोस्ट कॉमन है, इज अवेलेबल फॉर प्राइस, प्राइस में मिल सकता है, फ्री में मिल सकता है, दैट इज वर्कशिप, उसको उससे उसकी पूजा करी जा सकती है, उससे फियर्ड हो सकते हैं, इट इज लाइफ गिविन ऑल्सो कॉज अ डेथ, वो जीना भी दे सकता है और भी मार भी सकता है। सो दैट इज अ वाटर, वाटर इज फाउंड एंड अ फ्लॉट, हम फ्लाई जो हम जब ऊपर जाता है तब, देन रेन, रेन की तरह फॉल हो सकता है, फाउंड एंड लैंड, लैंड में मिल सकता है, देन ओशन में मिल सकता है, स्काई में एज अ ह्यूमिडिटी मिल सकता है, हम खाते हैं उसमें हम पानी डाल, उसमें भी पानी होता है, देन हम ड्रिंक करते हैं उसमें भी होता है, मोस्ट वॉन्टेड है, पानी के बिना तो हम जी नहीं सकते, मोस्ट वेस्टेड है, हम उसे निकाल देते हैं, मोस्ट कॉमन सब्सटेंस है, बहुत ही कॉमन सब्सटेंस है, मिलता है, द अर्थ अवेलेबल फॉर द प्राइस, प्राइस में मिलता है, बिस्लेरी की बॉटल फ्री में मिलता है, ऐसे ही मिल जाता है, इन रिवर एंड दैट, वर्कशिप करते हैं हम, पानी की पूजा करते हैं, हम उसे डरते हैं, एज अ फ्लूइड, जब भी कभी पूर आ जाता है, एज अ फ्लूड आ जाता है तब वो डर होते हैं, लाइफ गिविंग, पानी के बिना हम जी नहीं सकते, एंड कभी कभी लाइफ कॉजिंग, अगर पानी में डूब जाए तो मर सकते हैं, दैट इज वाटर। एक्टिविटी टू, इन क्लास सिक्स यू सेम्स एक्टिविटी रिलेटेड वाटर ऑन अर्थ, लेट्स रीड सम अबाउट वाटर, सेव वाटर, सेव लाइफ एंड सेव द वर्ल्ड। सो द वाटर फॉर ह्यूमन, ह्यूमन इज अ बेसिक कॉमन ऑफ ईच सेल एंड एसेंशियल फॉर अवर एग्जिस्टेंस, इन कीप बॉडी टेम्परेचर 38.8 सेल्सियस फ्रॉम पार्ट ऑफ ब्लड, हेल्प्स कैरी ऑक्सीजन न्यूट्रिशन अवर सेल्स, रिमूव द वेस्ट मटीरियल फ्रॉम द बॉडी, वाटर कीप अप्स क्लीन एंड हेल्दी। सो वाटर फर्स्ट हमारी बॉडी को नीडेड है, बॉडी में कौन कौन सी जगह होते हैं, हमारे ब्लड के अंदर होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो पूरा 38 सेल्सियस जो हमारा रहता है वो पानी की वजह से रहता है, एंड वाटर कीप्स क्लीन, हमें क्लीन रखता है और हेल्दी रखता है। वी यूज वाटर कुक फूड, वॉश एंटेलिस एंटेंशल्स, कोई भी चीज़ जो होती है वो हमें क्लीन करने के लिए यूज़ होता है, वाटर प्लांट फ्लश द टॉयलेट, हम प्लांट में वाटर डालते हैं, टॉयलेट फ्लश करते हैं तब वाटर होता है, वी यूज द रिक्रिएशन लाइक स्विमिंग, सेलिंग, फिशिंग, वेरी एसेंशियल, हम उसे स्विमिंग में भी यूज कर सकते हैं, ऐसे ज़रा यूज कर सकते हैं फॉर एसेंशियल, इज इज वेरी, वाटर इज अ वेरी एसेंशियल, एसेंशियल मीन्स नीडेड, उसके बिना नहीं चलता, मीन्स एसेंशियल। द पर्सन कैन सर्वाइव विदाउट फूड इन अ 30 डे बट लेस देन वीक विदाउट वाटर, यूज वाटर फॉर मैनी थिंग्स इन अ डे इन द डे लाइफ। सो वाटर फॉर एग्रीकल्चर, हम बहुत जगह यूज करते हैं वाटर फॉर एग्रीकल्चर, वी यूज मच देन 10 मीटर डीप, 100 मीटर वाइड एंड 71 मिलियन किलोमीटर इन लेंथ, इनफ टू
इन सर्कल ग्लोब 128 टाइम प्रोड्यूस फूड फॉर टूडेज वर्क एंड प्रोडक्शन ऑफ द ईयर। ओके, हम खाने एग्रीकल्चर मीन्स की खेती बाड़ी है उसमें यूज करते हैं, कितना पानी यूज करते हैं, 10 मीटर डीप जितना होता है, 100 मीटर होता है वो वाइड होता है, 100 मीटर वाइड एंड 71 मिलियन किलोमीटर लेंथ, 7.1 किलोमीटर लेंथ वाले जो ऐसा टब होता है, उतना टब जो हम भरे तब उतना हमें एग्रीकल्चर फॉर एक डे के लिए हम यूज करते हैं। वाटर हेल्थ हैबिट्स फॉर एनिमल एंड प्लांट, वाटर हैबिट्स फॉर एनिमल एंड प्लांट, फॉर द स्मॉल फ्लैश वाटर फाउंड इन अ वेस्ट पैसिफिक ओशन एंड ऑल्सो एवरी वाटर बॉडी फाउंड अर्थ इन इम्पॉर्टेंट हैबिट फॉर द प्लांट एंड दिस एनिमल एंड द एनिमल लाइफ बिगिन टू वाटर एंड इवन टू डेज लाइफ बॉडी इज क्रिएटेड क्रीचर लाइफ अंडर द वाटर। ओके, तो वाटर है, हम एक माना जाता है कि हमारी लाइफ है वो वाटर से शुरू होती है। हम पहले वाटर के अंदर इक्विटेंस थे और धीरे धीरे हमारे अंदर अडप्टेशन आके हम अर्थ पे रहने लगे, बट इट इज अ लाइफ इज अ इन अ वाटर और सारी के सारे इक्विटीज है वो जो हमारे वो वाटर के अंदर होती है। द वाटर फॉर इंडस्ट्री एंड पावर प्रोडक्शन, ऑलमोस्ट ऑल इंट्रक्शन यूनिट यूज फॉर वाटर आइदर इन अ प्रोडक्शन ऑफ डिस्पोजल बाय द प्रोडक्ट, दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन व्हाई इंडस्ट्री बेल्ट द डेवलप रिवर बैंक। वाटर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कम्पोनेंट फॉर द पावर प्रोडक्शन एंड रिवर वाटर इज ऑल्सो रिड्यूस द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बाय बिल्डिंग अ डैम थ्रू द पावर प्लांट। ओके, मोस्ट ऑफली इंडस्ट्री होती है उसमें वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए वो रिवर बैंक के अगर पास ही इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री ज़्यादा रिवर बैंक के पास रखी जाती है क्योंकि उसमें वाटर की एसेंशियल बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वाटर नीडेड ज़्यादा होती है, बाहर से वाटर लाना आना बहुत ही मुश्किल होता है, दैट्स वाई दे आर प्लेस देयर इंडस्ट्री नियर टू रिवर बैंक। दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि पावर इलेक्ट्रोड है, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मोस्ट ऑफली डैम के ऊपर से फॉल करके उसके अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम को थ्रू क्रिएट करते हैं और थर्मल पावर बनता है। ओके, सो द मैच ऑफ ए एंड बी हमें मैच करना है। सो एसेंशियल, हमारे लिए एसेंशियल कौन सी है, फिश वाटर ये सारी नहीं होगी, एड एयर एंड फूड, एयर एंड फूड आर द एसेंशियल थिंग, सो वन सी देन द हैबिट, हैबिट्स मीन्स जहाँ रहता है, तो फिश इन वाटर, बर्ड्स इन अ एनिमल इन फॉरेस्ट एंड ट्री, दिट इज अ हैबिट कि हमारी फिश है वो पानी में रहती है, बर्ड्स है तो टू ए, वन सी टू ए, देन द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मीन्स जहाँ पे कुछ चीज़ें प्रोड्यूस होती है, सो द एयर एंड फूड एंड टायर तो नहीं हो सकता, म्यूजिक इन हारमोनी नहीं हो सकता, ब्लड वाटर नहीं हो सकता, योगा डांस एंड म्यूजिक स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, इंडस्ट्री इज अ मोस्ट प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर इज ऑल्सो प्रोडक्शन, सो दैट दिट इज थ्री एफ, वन सी टू ए थ्री एफ, देन द डिस्पोज, डिस्पोज गार्बेज एंड वेस्ट, ई फॉर ई, देन द रिक्रिएशन, योगा डांस एंड म्यूजिक स्पोर्ट्स इज ऑल्सो रिक्रिएशन, एंड द कंपोनेंट, कंपोनेंट मीन्स किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ का होना, दैट टायर, कार है उसके अंदर टायर एक कंपोनेंट है, म्यूजिक है उसके लिए हारमोन एक कंपोनेंट है, और ब्लड है उसके लिए वाटर एक कंपोनेंट है, सो दैट इज बी, सिक्स बी, सो ए एंड बी मैच हो गया। नाउ हाउ मैनी वाटर यू यूज एवरी डे, डेली एक्टिविटी, तुम लोगों को अपने देखना है कि ब्रश करते वक्त आप कितना पानी लेते हो, शावर लेते वक्त कितना पानी लेते हो, वॉशिंग क्लोथ कितना पानी लेते हो, सो डे बाय डे, और यही उसका है कि तुम हमारे फैमिली मेंबर कितने लीटर पानी यूज करते हैं उसके ऊपर लिखना है। सो एक्टिविटी फोर, हियर सम वे यू कैन यूज वाटर और द मिस यूज इट इज टेक फॉर द फ्रेंड एंड द इंटू अप्रोप्रिएट क्लोथ, डू एंड डस यूज ओनली मच वाटर एज यू रिक्वायर, डू then the close the tap tightly after use is a do, use the bucket while bathing instead of shower is a do, throw garbage near a water source when a picnic it is for, does doesn't, then organize tree plantation activity, yes true do, throw the puja offering into river or the pond
नियरली इज दिस फॉल्स, पूजा की जो सारी सामग्री है वो अंदर नहीं डाल सकते। फ्रॉम द ग्रुप ऑफ पीपल एंड डिस्कस वे द कंजर्वेशन वॉटर इज अ डू एंड वॉश द व्हीकल इन द रिवर और पॉन्ड इज अ डजंट। ऑलवेज व्हीकल हम पॉन्ड के ऊपर नहीं कर सकते। यूज वाटर जग इंस्टेड ऑफ रनिंग वाटर फ्रॉम द प्लस थ्री। जब हम रनिंग वाटर यूज करते हैं तो पानी ज्यादा वेस्ट होता है, जग यूज करते तो कम यूज होता है, तो इट्स अ डू। देन द ड्रो पेंट यूज ऑयल पेंट ड्रिंक एंड केमिकल्स। ओके, जो हमारे ड्रेन्स है उसे पानी में नहीं डाल सकते, इट्स अ डजंट। सो डू एंड डज आपको ये एक्टिविटी लिखनी है। एक्टिविटी 5, वर्क विथ योर पेरेंट्स एंड लिस्ट डेली एनर्जी एंड इन अ यूज। ओके, तुम लोग जो एनर्जी यूज करते हो और इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो उसके बारे में। अगर तुम लोगों ने फोन चार्ज करता है तो दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। देन तुम लोग चलते हो दैट इज एनर्जी। कभी कभी गर्म गर्म करते हो दैट इज एनर्जी। तो तुम लोगों को एनर्जी कितनी है और कैसी है वो आपको देखना है। सो एक्टिविटी सी, डू नो द वेयर इज एनर्जी कम फ्रॉम। जो हमारी एनर्जी कहाँ से आती है वो आपको पता है। We use electricity almost all activity of life directly or indirectly. Electricity is form of energy. Produce energy is not easy. This is many different source of energy. This include non-reversible source like petroleum, kerosene, coal. It is reversible source like wind, energy, hydro, electro energy and solar energy. Non-reversible source will be end one day and they are used produces energy in thermal power station. Petrol, diesel, gas like CNG, LPG are used for running vehicle, cooking food. Non-reliable source is also in environment. They are primary source of this, but it is time when we turn out the reversible source of energy and conserve it. Okay, तो जहाँ पे हमने ये तुम लोग साइंस में पढ़ ही चुके होगे, नॉन रिवर्सेबल एंड रिवर्सेबल एनर्जी जो एक बार यूज हो सकती है और दूसरी बार हम यूज नहीं कर सकते, जैसे कैरोसिन है, कोल है, डीजल है, ये सारी एक बार चीजें यूज हो गई फिर हम इसे ही यूज नहीं कर सकते, दैट इज नॉन रिवर्सेबल। एंड जो हम चीज बार बार यूज करते हैं, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, पानी जो वापस गिरेगा तो वापस उसमें से एनर्जी मिलेगी, तो दैट इज अ रिवर्सेबल एनर्जी। हमें अब जो हमारी नॉन रिवर्सेबल एनर्जी है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, इसीलिए हमें ऐसी एनर्जी लेनी चाहिए कि जो रिवर्सिबल है और उसका कंजर्वेशन करने के लिए, और जो हमारी नॉन रिवर्सिबल है उसका कंजर्वेशन करने के लिए तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो नाउ वी आर एक्टिविटी 6 हो गई, अब 7 से हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, एंड यू हैव टू डू दैट ऑल काइंड ऑफ थिंग होमवर्क। तुम लोगों को जितनी एक्टिविटी यहाँ पे दी मैंने करवाई वो सारी की सारी तुम लोगों को होमवर्क में करनी। ओके, have a nice day. Goodbye.